बालाघाट में आजाद अध्यापक शिक्षक संघ पुरानी पेंशन बहाली समेत कई लंबित मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। शिक्षक संघ का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। बता दें कि शिक्षक संघ पुरानी पेंशन बहाली, शिक्षकों की क्रमोन्नति और पदोन्नति समेत कई लंबित मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। बालाघाट की ये आपको हम बता रहे हैं जो खबर, जहां से आजाद अध्यापक संघ धरना प्रदर्शन पर बैठा है। कई मांगें ऐसी हैं जिनको लेकर ये धरना दिया जा रहा है, यहां तक कि पदोन्नति की मांग है, साथ ही साथ पुरानी पेंशन बहाली की मांग है। ऐसी कई मांगों को लेकर अब जाकर अध्यापक संघ खुलकर आया है सरकार के सामने और अपनी लंबित मांगों को पूरी करने के लिए न सिर्फ बालाघाट में बल्कि प्रदेश के अंदर कई जगह पर अध्यापक संघ धरना दे रहा है। हड़ताल यहाँ शुरू हुई है, पुरानी पेंशन को लेकर के हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल हमारी चल रही है और हमारी इसके पहले भी कई बार हम लोगों ने धरना दिया पर हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही है और हमें मजबूर होकर के ये धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। नेतृत्व के मार्गदर्शन पर किया जा रहा है, इसका निर्णय प्रांत से ही लिया जाएगा और प्रांत से हमें ऐसा आदेशित किया गया है कि अभी वर्तमान में अनिश्चितकालीन हड़ताल है और ये हड़ताल पुरानी पेंशन प्राप्त होने तक या शासन इस पर अधिक किसी प्रकार से कोई निर्णय नहीं ले रही है तब तक ये अनशन आमरण।